दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं प्रयागराज के नगर पंचायत भवन में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पर दिखाना चाहूंगा शुभारंभ 31/12/2023 आज का दिन रविवार आयुष्मान मल्टी स्पेशलिस्टी क्लिनिक, जैसा कि आप दिखाना चाहूंगा यह मस्तान मार्केट के अंदर जो चालू किया गया है, आज शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर आज फ्री यानी मुफ्त में मरीजों की जांच चल रही है। जैसा कि आप दिखाना चाहूंगा यह मस्तान मार्केट के अंदर जो चालू किया गया है, आज शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर आज फ्री यानी मुफ्त में मरीजों की जांच चल रही है। उस तरह से आप देख सकते हैं काफी मरीज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पंपलेट रखा हुआ है, काफी यहाँ पर बैनर पोस्टर भी रखा हुआ है, देख सकते हैं ये चारों तरफ लगवाने के लिए ताकि लोगों को इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ पर भी एक बहुत बड़े अस्पताल का इंतजाम है। हालांकि यहाँ हम देख सकते हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे, दो मिनट जाना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हालांकि ये मस्तान मार्केट है, बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानें से खरीदारी करने आई हुई हैं क्या, कुछ और है? अस्पताल में आए हैं। अच्छा, अस्पताल में आई हैं। तो कैसे पता चला आपको यहाँ पर एक अस्पताल है? अनाउंसमेंट हुआ था, इसकी जानकारी अनाउंसमेंट द्वारा प्राप्त हुआ। तो आपने अनाउंसमेंट में क्या सुना? हर चीज के बारे में सुना है, अस्पताल खुला है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो आज के दिन क्या कोई मुफ्त इलाज का कोई बात बताया गया? अच्छा, जो भीड़ दिख रही है खास तौर से मुफ्त इलाज के लेके लोग जानकारी लेके आए हुए हैं। जी जी जी, तो यहाँ पर डॉक्टर से मुलाकात हुई? अभी नहीं, आप लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं मरीज लोग आए हुए हैं अपने दवा के लिए, अपने इलाज के लिए, अपनी जाँच पड़ताल के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दवा भी रखी गई है, दवा सामने रखी गई है, मैं जानूंगा यहाँ से बैठे हुए। जी, आपका नाम क्या है? वकील अहमद। अच्छा, वकील अहमद साहब, कहाँ से हैं आप? हम ये रामपुर से हैं। कछना से। कछना रामपुर से। तो आप फार्मासिस्ट हैं क्या? फार्मासिस्ट हैं। तो आज की जो यहाँ पर बताया जा रहा, अभी मैं बात किया हम पर जो कस्टमर मरीज बैठे हुए हैं, उन्होंने उनका कहना है कि आज कैंप लगा हुआ है। जी, तो कैंप किस चीज को लेकर लगा हुआ है? कैंप यहाँ सभी प्रकार बीमारियाँ फ्री में देखी जा रही, फ्री में दवा मिल रही है। सभी प्रकार में कुछ प्रकार बता दिए आप? सर्दी खांसी जुकाम बुखार मलेरिया डेंगू कुछ भी हो। अच्छा, सही तरह से वायरल जो बीमारी चल रही है आजकल के नॉर्मल मौसम के हिसाब से, मौसम के साथ सारी बीमारी चल रही है। तो उस तरह से जो दवा दी जाएगी उसके लिए कोई शुल्क? नहीं, निःशुल्क है, पूरी तरह से, पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ हड्डी के डॉक्टर आनंद यादव अभी आने वाले हैं, वो भी देखेंगे, फ्री में देखेंगे, कोई शुल्क नहीं है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नगर पंचायत भाजन के लिए, कि यहाँ के लोगों के लिए, कि आपने इस तरह से सोच रखा है यहाँ पर ये चल रहा है, कोई फीस भी नहीं है, कोई फीस नहीं है आज के दिन। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा यहाँ बैठे हुए जो भी फार्मासिस्ट थे, मैं उनसे बात किया, उनसे बात करने की जानकारी द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ पर आज के दिन एक डॉक्टर भी आने वाले हैं जो हड्डी विशेषज्ञ हैं, उनको भी लोग को वेट कर रहे हैं, उनका भी इंतजार हो रहा है। कुछ लोग उनको दिखाएंगे अपनी मर्ज को और इस तरह से दवा
लिखवाया जाएगा, चेक किया जाएगा। यहाँ पर भी कुछ चल रहा है, यहाँ भी जानकारी लूंगा मैं। जी मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा, आप बात कर सकते हैं टाइम की? बिजी हैं, काम पे हैं कि मोबाइल पे हैं आप? अच्छा, हमको साथ मोबाइल बिजी है, यहाँ पर कस्टमर भीड़ लगा रखे हैं, मरीज भीड़ लगा रखे हैं, आप मोबाइल उठाए हुए थे इसलिए पूछ रहा था मैं। बात कर सकता हूँ 2 मिनट? क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरह की जाँच है ये? ब्लड टेस्ट हो रहा है। अच्छा, आप बताइए। ब्लड टेस्ट हो रहा है और नाम सबका लिखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? कितना अटेंडेंस हो रहा है? अब्दुल वारिस। अब्दुल वारिस यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। अच्छा, इस ड्यूटी पर आप बैठाए हैं? हाँ। तो अभी तक सुबह से चल रहा होगा ये? कुछ लोगों की संख्या बता सकते हैं, कितने लोग हो चुके होंगे? 35-40 लोग लगभग हो चुके। अच्छा, 35-40 हो चुके हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह का समय, जो कि आज ठंडी बहुत ज्यादा भी चल रही थी, ठंडी मौसम में लोग निकल नहीं पाते, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट को लोगों ने सुन रखा था कि यहाँ पर फ्री कैंप लगने वाला है और फ्री कैंप में डॉक्टर आने वाले हैं, यहाँ मुफ्त दवा भी मिलेगा, उनका जांच पड़ताल अच्छे से किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उस तरह से आप देख सकते हैं काफी मरीजों की संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ अंदर भी आपको दिखा रहा हूँ, यह जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आयुष्मान मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक, यहाँ पर इस तरह से बोर्ड बना हुआ आप देख सकते हैं। अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हूँ, महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी, यहाँ पर कुछ पुरुष मौजूद हैं। जी हम यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? अजय पांडे। अजय पांडे जी, कहाँ से आते हैं आप? हंडिया। हंडिया की हड़िया? हड़िया मांडा। हंडिया मांडा जी जी। तो आप यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे आपको पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में वही छपा था कार्ड, रोल जानकारी दी थी। अच्छा, आपने कार्ड छपा हुआ देखा था? तो उसमें क्या ये यहाँ अखबार में लिखा रहा था कि आज कैंप लगेगा, फ्री में मुफ्त इलाज होगा, क्या लिखा हुआ था क्या ये? हाँ, लिखा हुआ था। अच्छा, लोग बताए कि अनाउंसमेंट भी हुआ था आपके क्षेत्र में, हुआ होगा? हाँ। जी जी, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ के, मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, चारों तरफ मरीज बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ जो मौजूद डॉक्टर हैं उनसे इलाज करा रहे हैं। देख सकते हैं केबिन के अंदर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मरीज भी मौजूद हैं और काफी संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं। नूर मोहम्मद अंसारी साहब से आज के बारे में जानते हैं, जिस तरह से यहाँ पर उद्घाटन शुभारम्भ किया गया है अस्पताल का और कैंप लगा हुआ है, काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रधानमंत्री। ये असल में हमारे भारत में सबसे कम स्थान मार्केट है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही मशहूर प्लेस है ये मस्तान मार्केट। और आज जो भीड़ देख रहे हैं, ये फ्री कैंप लगा हुआ है मेडिकल संबंधित, और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कस्बे में पहली बार एक तरीके से शुरुआत हुआ है। अभी जैसे हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ना, भाई जैसे CMO का छापा होता है, पता चला कि 10 में से 9 क्लिनिक बंद, 9 हॉस्पिटल बंद, बिल्कुल जाकर दिखते हैं, कोई लीगल वैध है नहीं। कोल्ला ने जो है हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, बिचू हाजी जी, उन्हीं के बड़े सुपुत्र हैं यात्रियादीन खान साहब, आप पोस्टेड हैं कर्चना में, तो इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के रिक्वेस्ट पे लोगों ने जो है इसको चैरिटेबल को स्थापना की, जिसका नाम है आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जो है। इसमें बहुत सारे डॉक्टरों ने इनको सहयोग का वादा किया कि हम जो है सहयोग करेंगे, और इनकी भी एक इच्छा थी कम से कम जो है कस्बे वासियों को इलाज उलाज मुहैया हो। इसमें एक डॉक्टर आनंद यादव साहब हैं जो BBS MS है एम्स के, जो कि स्पेशलिस्ट हैं आंतों के, हड्डी जोड़े नसों के जो है, और एक डॉक्टर YP सिंह साहब हैं, वो भी MBBS MD हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं बच्चों के लिए, और एक डॉक्टर निहारिका केसरवानी जी हैं जो MBBS DGO हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो है। तो खासतौर से महिलाओं को बड़ी समस्या होती है शहर में जाना, बड़ा अच्छा है कम से कम इतने अच्छे डॉक्टरों का कॉम्बिनेशन जो है बना, और अच्छा जो है शुरुआत यहाँ पर की है। जी जी, यही याद है, फ्री कैंप लगा हुआ है। जी, तो आप तो इनके फ्रेंड में से आते हैं, तो क्या आज आप भी इस कैंप का फायदा उठाने आए हैं? नहीं नहीं, हमारे बचपन के दोस्त हैं, हम बताए कि ऐसा शुरुआत कर रहे हैं, तो कोई भी नेक काम करे, कुछ भी कोई चीज करता है, हर कोई अप्रिसिएट करता है, हमारे तो मित्र ही हैं। जी, बताएं कि हम इस ऐसा शुरुआत कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपने स्पष्ट बात रखा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहने के लिए क्या है, बाकी कस्बे वासियों के लिए है भाई, जिनको इनसे इस तरह की कोई समस्या हो वो आए अपना लोगों को दिखाएं, और सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं सभी, अब दिखाएं सभी को, शुभकामनाएं हमारी भी है और इनको भी खासतौर से शुभकामनाएं हैं। जी धन्यवाद, जिसे साहब देखे बात सुन रहे हैं, नूर मोहम्मद अंसारी साहब हैं जो कि
पहचान के मोहताज नहीं है, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा है और ये इस जगह पे जिस तरह बैठे हुए हैं और लोगों को खिदमत लेते हुए देख रहे हैं, उस तरह से बात को रख रहे हैं, और साथ में दोस्त के नाते यहाँ पर मौजूद हैं वो, और यहाँ पर जिस तरह से जो जो डॉक्टर आने वाले हैं, जो आए हुए हैं, उसके बारे में जो लोगों को सुविधा मिलेगा उसके बारे में सारी बातों को उन्होंने स्पष्ट तरह से रखा है। धन्यवाद। जनजागरण महेश राम अंसारी, नगर पंचायत प्रयागराज। पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।